एम ए इंग्लिश कहाँ से किया था आपने? कराची, द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड. आई हैव डन इट फ्रॉम कराची. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय एनीबॉडीज मनी और स्टेटस और पोजिशन, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. माई नाना वॉज द फर्स्ट ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान. माई मदर वॉज द वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग. Hi Allah, why can't I have this? No way. Because I believe very strongly Allah will give me whatever I want. One day I feel like having gajar ka halwa. I went to Goa. They said 70 rupees a kilo. I said very expensive, sorry. I came here and sat down. A guy came from this society. My wife made gajar ka halwa and she said give this to the apa who is sitting in the car. ये छोटी सी गाड़ी किसने दी थी आपको? गाड़ी से कितना प्यार है, इसी में रहती है, निकलती नहीं है इससे बाहर. वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये कि मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से. ये थोड़ी है कि मैं गाड़ी में प्राड़ों में आके मैं खुश रहूंगी. नो, मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से. जिंदगी में आपने सब कुछ देखा, कुछ तमन्ना है मजीद देखने की? एक है हज करने की, बस और कुछ. अजरा आपा जो के पिछले 2 साल से इस गाड़ी में रह रही हैं, जिंदगी के नशेबो फराज किस तरह से इंसान को अरूज से जवाल पर लेकर आते हैं, ये एक अजीब सी कहानी है. इन्होंने 9 मास्टर्स कर रखे हैं, जिसमें ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इस्लामियात, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और पर्शियन शामिल हैं. 1980s में जो ये जूता पहनती थी उसकी कीमत 1 लाख रुपए हुआ करती थी. ये लंदन से कनाडा सेम डे जाया करती थी, लंच लेती थी और वापस आ जाया करती थी. इसी तरह लंदन से कराची और कराची से लंदन एक एक दिन में आया जाया करती थी. हवाई जहाजों में सफर करने वाली ये खातून आज एक छोटी सी गाड़ी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है. 5 से 7 बिल्लियां इनके पास मौजूद होती हैं. सर्दियों में अपने पाँव की तलियां उन बिल्लियों की स्किन पर रखकर सेक लेती हैं और अपने जिस्म को गर्माइश पहुंचाती हैं. इसी के साथ साथ एक कुत्ता आप यहां पर देख सकते हैं, जिसका नाम इन्होंने शेरू रखा है. शेरू बरसात के मौसम में इनके पास आया, वो जख्मी था. इन्होंने उसकी मरहम पट्टी की. 4 दिन के बाद जब वो ठीक हुआ तो इन्होंने उसको जाने का कहा, लेकिन उस कुत्ते की आंख में आंसू थे. वो इनकी मोहब्बत में गर्विदा हो गया और चौकीदार बना, इनके साथ ही रहता है. इनकी कहानी है क्या, ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं. मुझे जरा आप बताइएगा, आपने कितने मास्टर्स किए थे? जिंदगी में बहुत कुछ इंसान को मिलता भी है और निकल भी जाता है. मैंने 9 MA किए हैं. बैंकिंग का 4 साल का डिग्री कोर्स लंदन से किया है. ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने 750 सैंडविच कोर्सेज बैंकिंग के किए हैं. तो मुझे अपनी तालीम पे, अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा भी है और मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई शिकवा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ भी मुझे मिली उसे मैंने इंजॉय किया है. और मेरी अब कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं. मैंने ज़िंदगी में उम्रे भी की हैं, पूरे दुनिया के 3 चक्कर भी किए हैं, हर जगह रही हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाया है, कीमती से कीमती चीज़ें ली हैं. कौन सी पाकिस्तानी शख्सियात जो हैं वो आपकी दोस्त थी जवानी में? मुस्तफ़ा कार बेहद ईमानदार, बहुत अच्छा बंदा है. उसकी बेगम तहमीना, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, रशीद अहमद खान, इमरान खान, हम सब इनको बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं. अब गाड़ियों में, हवाई जहाजों में, महंगे महंगे बंगलों में रहती थी, तो वो सब कुछ कहाँ गया? BCCI खोलने के लिए, एक बैंक खोलने के लिए आगा हसन आबदी ने भुट्टो से परमिशन ली थी, क्योंकि एक ये कानून है अगर आप पाकिस्तानी बैंक है लंदन में खोलना चाह रहे हैं तो लंदन के बैंक को आपको पाकिस्तान में ब्रांच खोलने की इजाजत देनी होगी. भुट्टो ने इनकार कर दिया. आगा साहब लग्जमबर्ग गए, उन्होंने BCCI खोला, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के नाम से. बैंक ने बड़ी तरक्की की. हमने अपने सियासतदानों को, लोगों को, हर एक को बड़ी मदद की थी. हर साल होता था कि कौन सा बैंक टॉप पे जाएगा, तो पिछले 5-6 सालों से BCCI जो था ना, लंदन के टॉप के उस पे था. मतलब उससे ऊपर कोई और बैंक नहीं था. यहूदियों ने इस चीज़ को अपना आना का मसला बनाया. उन्होंने एक प्लान करके पूरी BCCI की लंदन की ब्रांचेस बंद करके हमारा जेवर, पैसा, हमारी प्रॉपर्टी सब कुछ ले लिया, जिसके मुकदमे हम अभी तक चला रहे हैं. उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गई. पाकिस्तान आके मैंने कुछ कर्जा लेके अपना बुटीक का काम शुरू किया, तो हमारे क्लाइंट ने हमारे साथ धोखा किया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई. मैं यहाँ पे हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ पैसा जमा करके घर किराए पे लूँ. एक पैसा जमा किया था, ये सुलहरी वालों ने वो चोरी कर लिया मेरी गाड़ी में से. कितनी जायदाद कितनी थी आपकी? बहुत थी. मेरे पास 3 फार्म हाउसेस थे लंदन में, 2 कोठियाँ थी नाइट्सब्रिज पे,
और कॉनवे रोड साउथ गेट में तीन फ्लैट थे, बहुत था अल्लाह। कराची में कहाँ पर प्रॉपर्टीज थी? मैं मेरी नहीं थी, मेरी माँ की प्रॉपर्टीज थी, पकाड़ा के घर के बराबर, कारसाज में, डिफेंस में और पीसीजेस में, हर जगह पे। लाहौर में आपकी प्रॉपर्टीज कौन सी थी? लाहौर में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, मैं किराए के घर में रहती थी और मेरी माँ की नसीहत थी जब मैं मरूँ तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब ईदी को दे दी जाए, तो हमने सब ईदी को। आप हवाई जहाजों में सफर करती थी, लंच और ब्रेकफास्ट कहाँ कहाँ से किया करती थी? नहीं, ये तो टोरंटो का लंच, चाइनीज लंच तो बहुत मशहूर है दुनिया में, तो वो मैं खाने के लिए जाती थी। कभी जी चाहा तो हम ये करते थे कि फ्राइडे नाइट फ्लाइट लेके हम पाकिस्तान आ गए, बंस रोड पे नाश्ता किया और संडे इवनिंग वापस चले। तो आज मैं देख सकता हूँ कि आपके पाँव में एक टूटी हुई कैंची चप्पल है जो कि 50 या 60 रुपए की है। आप 1980s में जो जूते पहनती थी उनकी कीमतें क्या होती थी? लाख रुपया है, 50,000 रुपए। हर चीज की जो है ना, एक चीज का एक वक्त मुकर्रर है और एक हम हर चीज को एंजॉय करते थे। मैंने कभी नाशुक्री नहीं की, जो भी चीज मिली हमने उसको बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया। अजरा, आप पास सर्दी होती है, गर्मी होती है, धुंध होती है, आप इसी गाड़ी में रहती है, ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती? अब ये होता गर्मियों के जमाने में मैं सीधा हाथ सर पे रख के कहती हूँ कि हजरत इमाम हुसैन को अगर करबला में गर्मी नहीं लगी मुझे नहीं लगेगी, और नहीं लगती। सर्दियों में मेरी बिल्लियाँ हैं जो मेरे पैरों में आके बैठ जाती जिससे गर्माइश होती। मैं एक बात बताऊँ, मेरी जिंदगी के कुछ उसूल हैं कि जिंदगी में जो भी चीज़ जिस वक्त मिले उसे इंजॉय करो, कभी उसको ये ना कहो हाय अल्लाह कुछ और मिलता तो अच्छा था। मैं अपनी जिंदगी से